नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करने निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 119वां दिन है और इस समय यह पदयात्रा पंजाब में मौजूद है। आज 13 जनवरी शुक्रवार को यात्रा विश्राम पर रहेगी और इसके बाद कल यानी 14 जनवरी को लुधियाना से फिर से शुरू होगी। बता दें कि यह पदयात्रा अभी तक 15 में से 11 राज्यों को कवर कर चुकी है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल है। अब इसके बाद यात्रा पंजाब में अपना सफर पूरा कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी और इसका समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में जाकर होगा। गुरुवार 12 जनवरी को भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के दिल्ली और जयपुर में स्थित परिसरों पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है। इसे लेकर कांग्रेस का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की वजह से सीबीआई ने पूर्व वित्त सचिव के खिलाफ ये कार्रवाई की है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए तो बीजेपी ने उन पर हमला किया। एक पूर्व सेना प्रमुख दीपक कपूर शामिल हुए तो बीजेपी ने उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया और अब पूर्व वित्त सचिव यात्रा में शामिल हुए तो सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ये सब मोदी की एफडीआई नीति यानी फियर, डिफेमेशन और इंटिमिडेशन काम कर रही है। यह एक डरपोक की सोच है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जारी रहेगी। बता दें कुछ दिनों पहले राजस्थान के अलवर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अरविंद मायाराम को राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करते हुए देखा गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार और गुरुवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और मुर्शिदाबाद में करीब 28 जगहों पर छापेमारी की गई है और इस छापेमारी के दौरान 15 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया है, जिसमें से 11 करोड़ रुपए सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के विधायक जाकिर हुसैन के घर और कारखाने से ही मिले हैं। बता दें हुसैन मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर से टीएमसी विधायक हैं और वे ममता बनर्जी की सरकार में श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। हुसैन बीड़ी बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं और वे राइस और तेल के मिल के भी मालिक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि हुसैन के घर से लगभग 1 करोड़ रुपए और उनके राइस मिल से लगभग 10 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। वहीं सारे मामले को लेकर हुसैन का दावा है कि यह पैसा उनके कारखाने और मिलों में काम करने वाले मजदूरों को दिया जाना था। उन्होंने बताया कि उनकी फैक्ट्रियों में 7,000 मजदूर काम करते हैं और उन्हें ये पैसा देना था। हमने उन्हें दस्तावेज दिखाए हैं और सुरक्षा कारणों की वजह से हमें कभी कभी नकदी घर पर रखनी पड़ती है। मैं नियमित तौर पर टैक्स चुकाता हूं और हमने अधिकारियों के साथ भी सहयोग किया है। गौरतलब है कि इससे पहले कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी महिला अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर जांच एजेंसियों ने छापा मारा था और अलग अलग कार्रवाई में इनके ठिकानों से 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कैश बरामद हुआ था और इसके अलावा करोड़ों का सोना भी जब्त किया गया था। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को जोशीमठ में धस रही जमीन को लेकर राज्य सरकार को कस्बे के लिए एक मजबूत योजना बनाने का निर्देश दिया है। मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जज आलोक कुमार वर्मा की बेंच ने सरकार को इस मामले पर गौर करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है और साथ ही कहा है कि कमेटी में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीयूष रौटेला और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के कार्यकारी निदेशक MPS बिष्ट को शामिल किया जाना चाहिए और कमेटी को 2 महीनों के अंदर सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी है। इसके अलावा अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि जोशीमठ के आसपास के क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर बैन लगाने का आदेश तुरंत पारित किया जाए। गौरतलब है कि उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने, घरों में बड़ी दरारें आने और पानी का रिसाव होने की वजह से इस समय हड़कंप मचा हुआ है, जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के कंझावला केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए गृह मंत्रालय की ओर से मामले में दिल्ली पुलिस की 3 PCR वैन और 2 पिकेट में ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार लापरवाही के चलते इन तमाम पुलिस कर्मियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को PCR वैन जांच चौकी के पर्यवेक्षण अधिकारियों को अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी करने का निर्देश दिया है। बता दें स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दायर करने का निर्देश दिया है ताकि दोषियों को सजा मिल सके और साथ ही
गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए भी कार्रवाई की जानी चाहिए। बता दें, नए साल की रात को एक 20 साल की युवती की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मारी थी, जिसके बाद वह कार में फंस गई और कार में बैठे 5 आरोपियों ने उसे करीब 12 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा, जिस कारण से उसकी मौत हो गई। इस मामले में कार में सवार 5 लोगों के साथ ही उनके कई साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जाँच की जा रही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांति श्री धुलीपुरी ने गुरुवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनका विश्वविद्यालय पिछले 75 साल से झूठी बुनियाद पर इतिहास लिख रहा है, हालांकि इसमें बदलाव दिखने लगा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजा माता की जयंती के मौके पर एक NGO माई होम इंडिया द्वारा आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए पंडित ने कहा, झूठी बुनियाद पर इतिहास ना लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ JNU के इतिहासकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम झूठी बुनियाद पर इतिहास नहीं लिख सकते, जो हम पिछले 75 सालों से करते आ रहे हैं, और मेरा विश्वविद्यालय इसमें बहुत अच्छा रहा है। पंडित ने जीजा माता को एक गुमनाम नायक और भारतीय सभ्यता का गौरव बताते हुए आगे कहा कि जीजा माता ने शिवाजी में मूल्यों को स्थापित किया, जिन्होंने भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य हिंदवी स्वराज की स्थापना की, जो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई तक चला। उन्होंने कहा कि हम भारतीय सभ्यता को अपने मूल्यों पर गर्व होना चाहिए और यह चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रवेश करने वाली दुनिया की केवल 2 सभ्यताओं में से एक थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि JNU की पहली महिला कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति वामपंथी और तथाकथित उदारवादियों के चेहरे पर करारा तमाचा है, जो केवल बड़ी बड़ी बातों में विश्वास करते थे। पंडित ने बताया कि वह तमिलनाडु से JNU की कुलपति भी हैं, जो देश का सर्वाधिक हिंदूकृत राज्य है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।